नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुल्ताई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक मैनेजर को कोर्ट में पेश किया गया। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं बैंक मैनेजर विनय ओझा। बैंक मैनेजर विनय ओझा पर है गबन का आरोप। महाराष्ट्र बैंक में 125 करोड़ का घोटाला किया था, ऐसे आरोप लगे थे। 34 किसानों के फर्जी KCC खाते खोलकर गबन किया। मुल्ताई पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन करेगी। मुल्ताई पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन करेगी बैंक मैनेजर को। कोर्ट में पेश किया गया। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं बैंक मैनेजर विनय ओझा। महाराष्ट्र बैंक में 125 करोड़ के घोटाले का आरोप है। 34 किसानों के फर्जी KCC खाते खोलकर गबन किया था। खबर आपको बता रहे हैं मुल्ताई से। मुल्ताई में एक गबन का मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र जौलखेड़ा ब्रांच का हुआ था, जिसमें KCC खाता खोलकर गबन किया गया था लगभग 125 करोड़ का, जिसमें लगभग उस समय 10 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से हम 9 आरोपियों का निराकरण कर चुके हैं। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं कि पूर्व में किए गए थे, और 1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी और 2 आरोपियों को पृथक किया गया था। इसमें इस प्रकरण में 1 ही आरोपी शेष रह गया था, जो विनय ओझा उस समय सहायक प्रबंधक उस बैंक के थे। उनको कल मुल्ताई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। संवाददाता शंकर राय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे। क्या कुछ इस मामले में अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी विनय ओझा के गबन के मामले में, कहा जा रहा है अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा शंकर से बात कर सके, जानकारी हासिल कर सके। तो बता दें, बैंक मैनेजर विनय ओझा पर गबन का आरोप है। बता दें आपको मुल्ताई से ये खबर, जहां बैंक मैनेजर को कोर्ट में पेश किया गया। क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं बैंक मैनेजर विनय ओझा। शंकर हमारे साथ बने हुए, खबर पर और भी जानकारी के लिए। विनय ओझा के मामले में अब बैंक मैनेजर को कोर्ट में पेश किया गया है। शंकर, क्या कुछ और जानकारी? देखिए पारुल जी, जो क्रिकेटर है अपने नमन ओझा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, इनके पिताजी 2013 में महाराष्ट्र बैंक के जौलखेड़ा में पदस्थ थे। इन्होंने फर्जी KCC बिल मामले को लेकर 14 केस इन्होंने फर्जी बनाए थे, जिसमें लगभग 125 करोड़ रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया था। इनके साथ लगभग 4 अन्य साथी और थे, जिनके खिलाफ मुल्ताई चलिए लगता है शंकर का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो पाए। बहरहाल, तो बैंक मैनेजर नमन ओझा क्रिकेटर हैं, उनके पिता हैं बैंक मैनेजर विनय ओझा, जिन पर महाराष्ट्र बैंक में 125 करोड़ की घोटाले का आरोप लगा था। 34 किसानों के फर्जी KCC खाते खोलकर गबन करने का आरोप है।